dear friends, dear audience, and my dear and lovely students, and the passionates of English language. This is MSIUB, and you're watching Smart Professional Educator. All of you are welcome in Smart Professional Educator. Smart Professional Educator में आप सब की स्वागत हो, आप सब को खुशामदीद कहते हैं, अहला व सहला या हबीबी मरहबा इन Smart Professional Educator. Dear friends, हम बातें कर रहे होते हैं, गुप्तगुज बना रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ गपशप लगा रहे होते हैं, gossips and chit-chat and conversations and talking with each other. और इन्हीं टॉकिंग्स में और इन्हीं बातों में समटाइम के मेरा ख्याल है कि वो बात मान जाएगी, मेरा ख्याल है कि वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी. ठीक है ना, मेरा ख्याल है कि आज बारिश हो जाएगी. अच्छा, मेरा ख्याल है आज बारिश थम जाएगी. मेरा ख्याल है वो अभी आ पहुंचेगा. मेरा ख्याल है उन्होंने खाना खाया होगा. मेरा ख्याल है हमें अभी जाना चाहिए. मेरा ख्याल है हमें उधर पहुंचना चाहिए. तो ये मेरा ख्याल है. ये मेरा ख्याल है, हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं. आप सोचिए ना, बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम अपनी बातों में. अक्सर हम बात कर रहे होते हैं ना, तो मेरा ख्याल है, तो ये एक गेस के अंदाज में हम यूज करते हैं, एक अंदाजे की अंदाज में यूज करते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं, एक गेस करते हैं. और इसी गेस को, इसी अंदाजे को बयान करने के लिए हम मेरा ख्याल है का लफ्ज अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं. तो हम मतलब मेरा ख्याल है, देखिए मेरा ख्याल है. तो जनाब, मेरा ख्याल है कि मानो के लिए एक टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर स्पोकन इंग्लिश वी यूज अ वेरी वेरी सूटेबल, अ वेरी प्लीजेंट, अ वेरी लवली, अ वेरी डियरेस्ट, अ वेरी लवली, बहुत प्यारा लफ्ज यूज करते हैं. और वो लफ्ज है क्या? मेरा ख्याल है आई थिंक दैट. थ्री वर्ड्स यूज करते हैं, आई थिंक और दैट. लुक एट आई थिंक दैट. सो डियर फ्रेंड्स, हमारे आज की क्लास का इन्वॉल्व टॉपिक और मौजूद बहस है आई थिंक दैट. अंडरस्टैंड? तो पैटर्न क्या है? पैटर्न के बारे में देखिए, पैटर्न कुछ भी नहीं. आई थिंक दैट यूज करो और बात तुम जिस टेंस में करते हो, जिस अंदाज में करते हो, जिस टाइम में करते हो, प्रोग्रेसिव में करते हो, कंप्लीट में करते हो, मुतलक में करते हो, इंडिफिनाइट में करते हो, जिस भी टाइम में आप बात करते हैं, टाइम से मेरा मतलब टेंस है, जिस भी टेंस में आप बात करते हैं उसी टेंस के मुताबिक बस ट्रांसलेट करो और आई थिंक दैट को यूज करो. सो मेरा ख्याल है कि वो आज यहां नहीं आएगी. मेरा ख्याल है वो आज यहां नहीं आएगी. सो लुक एट हियर फ्रेंड्स, लुक एट दिस सेंटेंस. मेरा ख्याल है कि वो आज यहां नहीं आएगी. सो मेरा ख्याल है कि मानो के लिए हमने क्या यूज कर रहे हैं? आई थिंक दैट. और आएगी, क्योंकि ये फ्यूचर का टेंस, फ्यूचर का है, जुमला फ्यूचर का है, मुस्तकबिल के बारे में बात हो रही है, यानी उसका आना अभी तक नहीं हुआ है, महाल है, लेकिन आने की उम्मीद भी नहीं है, यानी कि मुस्तकबिल में उसके आने की, यानी वो आज यहां नहीं आएगी. तो मतलब फ्यूचर की तरफ ये जुमला हमारा फ्यूचर का है. सो मेरा ख्याल है आई थिंक दैट वो आज यहां नहीं आएगी. शी विल नॉट कम हियर टुडे. So look at the sentence, please. I think that she will not come here today. I think that she will not come here today. Understand? Dear friends, look at this sentence. मेरा ख्याल है कि तुम वहाँ थे. मेरा ख्याल है कि तुम वहां थे. सो कैसे? तुम वहां थे. पास्ट. सो आई थिंक दैट यू आर देयर. लुक एट द सेंटेंस प्लीज.
I think that you're there. I think that you're there. I think that you're there. मेरा ख्याल है तुम वहाँ थे. I think that you're there. मेरा ख्याल है कि वो उस्ताद है. मेरा ख्याल है कि वो उस्ताद है. So look at. I think that he's a teacher. I think that he's a teacher. और अगर हम उस्ताद की जगह बोले मेरा ख्याल है कि वो डॉक्टर है. मेरा ख्याल है कि वो डॉक्टर है. मेरा ख्याल है कि वो डॉक्टर है. I think that he's doctor. I think that he's a blacksmith. लोहार है. I think that वो सुनार है. मेरा ख्याल है कि वो एक सुनार है. So I think that he's a goldsmith. मेरा ख्याल है कि वो एक जमींदार है. I think that he's a farmer. मेरा ख्याल है वो एक student है. I think that he's a student. So I think that. I think that. Friends, look at this sentence. मेरा ख्याल है कि वो पागल है. मेरा ख्याल है कि वो पागल है. So I think that. I think that he's mad. I think that he's mad. तो है के मानों के लिए as use कर दिया और mad पागल को कहते हैं. So I think that he's mad. I think that he's mad. Dear students, look at. मेरा ख्याल है कि वो मेरे दोस्त थे. मेरा ख्याल है. ओ यार मेरा ख्याल है कि वो मेरे दोस्त थे. ओ यस वो मेरा ख्याल है वो मेरे दोस्त थे. So I think that they were my friends. Were थे. क्योंकि थे पिछले जमाने के लिए और पिछले जमाने में मौजूदियत के लिए हम was were यूज करते हैं. क्योंकि ये जमा है तो यहाँ पर हम were यूज करेंगे. So I think that they were my friends. Look at the sentence please. I think that they were my friends. I think that they were my friends. इस तरह और बहुत सारे हम बोलते हैं मेरा ख्याल है आज बारिश हो जाएगा. No, future की तरफ future ठीक है ना हो जाएगा. So I think that it will rain today. It will. So I think that it will rain today. अच्छा मेरा ख्याल है बारिश थम जाएगा. हाँ I think that it will stop the rain. It will stop the rain. बारिश थम जाएगा. अच्छा मेरा ख्याल है कि वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर जाएगी. I think that. Look at the sentence please. मेरा ख्याल है कि वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर जाएगी. So I think that she will accept my proposal. हमारे माहौल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम मेरे ख्याल है का लफ्ज यूज करते हैं और आगे बात जारी रखते हैं. मेरा ख्याल है अख्तर हुसैन आ पहुंचे हैं. I think that अख्तर हुसैन has arrived. आप पहुंचे हैं यानी आप पहुंच चुके हैं. तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट हो गया has यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म वर्ब यूज करेंगे और मेरा ख्याल है के वालों के लिए आई थिंक दैट. सो आई थिंक दैट लुक एट द सेंटेंस प्लीज. आई थिंक दैट अख्तर हुसैन हैज अराइव्ड. आई थिंक दैट अख्तर हुसैन हैज अराइव्ड वगैरह वगैरह. इस तरह देखिए मेरा ख्याल है वो आज नाच करेगी. आई थिंक दैट शी विल डांस टुडे. आई थिंक दैट शी विल डांस टुडे. अच्छा मेरा ख्याल है वो एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर जाएगी. आई थिंक दैट शी विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन. आई थिंक दैट शी विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन. अंडरस्टैंड. अच्छा मेरा ख्याल है वो यूनिवर्सिटी टॉप कर जाएगी. हाँ आई थिंक दैट शी विल टॉप द यूनिवर्सिटी. शी विल गॉट द टॉप. शी विल गेट द टॉप रैंक इन द यूनिवर्सिटी. और शी विल टॉप द यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह. इस तरह मतलब मुख्तलिफ अंदाजों से मुख्तलिफ तरीकों से. मैं तो आपसे बार बार कहता हूँ ना कि इंग्लिश में कोई एम्बिग्विटी नहीं है कोई डिफिकल्टी नहीं है. जो भी तुम्हारे मुंह पे आसान आ जाए बस बोलते जाओ बोलते जाओ. ठीक है मेरा ख्याल है कि वो एक उस्तानी है. I think that she is a teacher. मेरा ख्याल है वो अच्छी तरह पढ़ाएगी. I think that she will teach us well. I think that she look at the sentence. I think that she will teach us well. I think that she will teach us well. मेरा ख्याल है आपसे मुलाकात हो जाएगी. I think that I will meet you. I think that I will meet you. मेरा ख्याल है अब हमें एंड करना चाहिए. I think that we should end now. I think that we should end the class now. मेरा ख्याल है हमें अभी रुखसत होना चाहिए. I think that we should leave now. हाँ मेरा ख्याल है हमें अभी जाना चाहिए. I think that we should leave now. I think that we should leave now. इस तरह dear friends बस practice करो. हाँ अपने घर में देखो और बस मेरा ख्याल है का लफ्ज़ use करो.
करो और जो भी काम है उसी काम को मेंशन करो अपनी बातों में। फ्रेंड्स आज की क्लास में आई थिंक दैट को मौजू बहस बनाकर यही कुछ मुख्तसर से तफसीलात थे, उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी और ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई है तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है, एक लाइक तो प्रेस करो, लाइक को प्रेस करो, प्लीज प्रेस कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।